हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी उनमें से हैं जो रात को जॉब तलाश रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको चार पांच ऐसे जॉब बताने वाला हूं जो कि आप नाइट शिफ्ट में कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर अदर कोई जॉब करते हैं और आपको नाइट शिफ्ट में जॉब करना ज़रूरी हो चुका है, यानी आप जॉब तलाश रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में आपको जो भी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ उसका पेमेंट आपको पर वीक मिल जाएगा। यानी आपको महीने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप जितना काम करोगे आपको हर वीक उसका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मैं आपको जो जॉब बताने वाला हूँ वो चारों जॉब आपको डिलीवरी बॉय का जॉब बताने वाला हूँ। तो ऐसे में अगर आप डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और आप पार्ट टाइम में इससे अच्छा आपको कोई जॉब नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कहीं अदर जगह पर जॉब करते हैं तो आपको पर मंथ पेमेंट मिलता है। बट अगर आप इसमें डिलीवरी बॉय का जॉब करते हैं तो आपको पर वीक पेमेंट मिल जाता है। बात करते हैं पहले नंबर की, तो पहले नंबर पे आता है जोमेटो डिलीवरी बॉय। आजकल आपको पता ही होगा कि जोमेटो कितना फेमस हो चुका है, जो कि एक इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ आज पूरे वर्ल्ड में इसका धूम मचा है। तो अगर आप जोमेटो के साथ पार्टनरिंग करना चाहते हैं, यानी आप उसका डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास साइकिल या बाइक दोनों में से कुछ एक भी होना चाहिए। अगर आपके पास साइकिल या बाइक में से कुछ है तो आप जोमेटो में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप जोमेटो में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस दिखाया गया है आप कैसे जोमेटो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है स्विगी। स्विगी भी सेम जोमेटो के जैसा, उसमें भी ऑफर चलता रहता है, वहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वैकेंसी आती रहती है। अगर आप उसमें भी ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो उसमें भी आपके पास साइकिल है बाइक दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, और अगर आपके पास कुछ भी है तो आप उसमें भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसमें भी आपको जोमेटो के जैसा सेम पेमेंट ऑप्शन है, उसमें भी आपको पर वीक पेमेंट मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर के, तीसरे नंबर पर आता है डूंजो। अगर आप भी डूंजो में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें भी साइकिल या बाइक दोनों से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बट इसमें आपको साइकिल से ईज नहीं रहेगा। इसमें आप जब भी अगर आप डूंजो में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप बाइक से ज्वाइनिंग करें, क्योंकि डूंजो में क्या होता है आपको हरी सब्जी भी पार्सल मिलता है, तो ऐसे में आपके पास वजन सामान आता है, इसके लिए आप साइकिल से उतना अच्छे से जॉब नहीं कर पाएंगे। अगर आप डूंजो में करना चाहते हैं तो आपके पास बाइक है तभी करिए, नहीं तो आप साइकिल से इजली नहीं कर सकते। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, चौथे नंबर का जो जॉब है वो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के लिए हो, कॉल सेंटर का, जो कि अगर आप 8वीं या 10वीं पास है या 12th पास है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बट अगर आप कॉल सेंटर में करना चाहते हैं तो उसमें आपको पेमेंट उसमें जो है आपका पूरे मंथ का मिलता है, तो ऐसे में वहाँ पर एक महीने का टाइम इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेमेंट आएगा। बट अगर आप जोमेटो या फिर स्विगी या फिर डूंजो में जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपको पर वीक पेमेंट मिल जाएगा। अगर आप जो इसमें जॉब करना चाहते हो आप इजली कर सकते हो। अगर आप जोमेटो स्विगी या डूंजो किसी में जॉब करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हो। बट अगर यहाँ आप कॉल सेंटर में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉल सेंटर में जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। बात करते हैं सैलरी की, तो अगर आप कॉल सेंटर में आप जॉब करना चाहते हो तो आपको कॉल सेंटर में पर मंथ जो सैलरी होता है यहाँ प्रेजेंट टाइम में आपको 10 से 12,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। बट अगर आप वहीं जोमेटो स्विगी या फिर डूंजो में जॉब करते हैं तो इसमें आप पार्ट टाइम में 10 से 12,000 रुपये कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपकी कमाई होगी और आपका वीकली पेमेंट भी मिलता रहेगा। इसके साथ अगर आप जोमेटो स्विगी या डूंजो में करते हो तो आपको इसके सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे ऑफ़र आते रहते हैं, तो आपको सभी ऑफ़र मिल जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।